हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। रिएक्शन वीडियो है, वो भी निधि की दुनिया के ऊपर है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कल हमने इसका शॉर्ट देखा, मेरे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मुझे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। उसके बाद ही तुरंत इसकी कम्युनिटी भी देखी, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे ऑक्सीजन की कमी लग रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। दरअसल जब भी किसी से पंगा होता है, जब तुम्हारी असलियत सामने आने लगती है, बाहर आने लगती है, तुमको सांस की दिक्कत होने लगती है, तुमको ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तुमको ऐसा होने लगता है, तुमको घबराहट होने लगती है, बेहोश होने लगती हो। लेकिन एक चीज तुम बताती हो कि मैं हर वीडियो पे बताती हूँ ना, मैं बहुत सीधी हूँ, मैं बहुत सरल हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं दिल की बहुत साफ हूँ। यही चीज तुमने उस दिन अपनी सहेली किरण से भी बुलवाई कि आप तो बहुत सीधी सादी हैं, जो दिल में होता है वो बाहर कर देती हैं, जो दिल में बात आती है वो आप वीडियो में बता देते हैं। तो अपनी बीमारी अभी तक क्यों नहीं बताई, क्यों नहीं अभी तक ये बताया कि मुझे ये बीमारी है, इस वजह से सांस फूलती है, इस वजह से ऐसा होता है, इस वजह से ऐसा होता है, तो नहीं बताया। इसका मतलब तुम एक नंबर की झूठी हो, फ्रॉड हो। ये चीजें अब तो क्लियर हो ही चुकी है। अच्छा, फिर एक नंबर के आदमी के लिए लालची इसलिए हो कि आज शर्मा जी का वीडियो देखा सुबह, वो कह रहे थे कि कल रात तक तुमने, आज सुबह तक, कल रात तक उस लड़के को मैसेज किया है, कल रात तक मैसेज किया है, क्यों कर रही हो? तुमको अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है, इतनी बेइज्जती के बाद उस लड़के को मैसेज क्यों कर रही हो? तुमको ये पहले शादी और आदमी से पहले तुमको अपने इमेज पे काम करना चाहिए, तुमको समझना चाहिए कि लोगों का नजरिया तुम्हारे प्रति क्या है। तुम्हारे पास जितने कमेंट्स आते हैं ना, वो लोगों की जो टेंडेंसी तुम्हारे लिए क्या है वो समझ में आ जाता है। कहते हैं ना, किसी भी इंसान अगर यूट्यूबर है तो उसका जो कमेंट सेक्शन होता है वो उसका आईना होता है। किसी को 10% नेगेटिव कमेंट आते ही है, बहुत आते हैं, सब बड़े जितने भी यूट्यूबर्स देख लोगे 10% नेगेटिव कमेंट आते ही आते हैं, 20% आते हैं, 25% आते हैं, 30% आते हैं, अरे बहुत हद दर्जे का कोई बिल्कुल अश्लील है उसको 50% कमेंट आते हैं नेगेटिव। लेकिन उन सब की अम्मा तुम निकली, क्योंकि तुमको 100% नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, बस 2 या 4 जो फेक आईडीज हैं उन्हीं की तरफ से तुमको अच्छे कमेंट आते हैं, इसके अलावा सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। तो इसी में तुमको काम करना चाहिए। तुमको ये जो शादी शादी शादी, हाय लड़का लड़का हड़का, हाय पति पति, मेरी दूसरा रिश्ता आ गया, मेरा तीसरा रिश्ता आ गया, मेरा पांचवा रिश्ता आ गया, इन सबको छोड़कर अपने इमेज पे काम करना चाहिए। तुमको अपनी इमेज ऐसी बनानी चाहिए, तुमको ऐसे काम करने चाहिए, ऐसे ब्लॉग्स डालने चाहिए कि 6 महीने में तुम्हारे प्रति लोगों का नजरिया बदले, लोग नेगेटिव से पॉजिटिविटी की तरफ आए कि हाँ ये ऐसा पता नहीं किससे कर रही थी लेकिन बहुत सही जा रही है, अब सही जा रही है, ऐसा जा रही है, वैसा जा रही है। लेकिन नहीं, तुमको सोते जागते उठते बैठते तुमको खाना और आदमी चाहिए, पति 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 शादी चाहिए। उस लड़के को मैसेज 10 बार मना कर रहे हैं, 100 बार मना कर रहे हैं लोग, उसके घर वाले मना कर रहे हैं, लड़का मना कर रहे हैं, लेकिन तुम बेशर्मी की तरह उसको मैसेज किए जा रही हो। मतलब उसका जो बुखार है वो तुम्हारे सबसे उतर नहीं रहा है, क्योंकि तुम वो 35-36 की क्लियर हो गए ना, शर्मा जी ने तुम्हें मैसेज भी पढ़ा दिया कि तुम 91 बता रही हो, वो भी सही बताओ पे, और 2-4 बार सही बताते तुम 88-89 पे आ जाती। उसके अलावा तुम्हारे बाप ने भी कमेंट किया था तुम्हारी लाइन में कि 35-36 साल की है, 35-36 साल की है। तो उसके बाद भी तुमको लग रहा होगा लालच कि कहीं 25 साल का लड़का मेरे हाथ से निकल गया, तुम्हारे तो इसी में तुम्हारा खून वो हो गया होगा ना, खून पानी हो गया होगा, हाय मेरे हाथ से 25 साल का लड़का निकल गया, हाय मैं 10 साल छोटे से शादी कर लेती। तो ये चीज तुम्हारे बिल्कुल नींद हराम हो गई होगी। जो चलाक सियार होता है वो रंग बदल के चलता है, काफी दिन तुम जैसे दुपट्टा उपट्टा ओढ़ के सलवार सूट पहन के आ रही थी, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, 45 दिन का बच्चा लेके मैं घर से बाहर निकली थी, मैं ससुराल वालों ने निकाल दिया था। तो ये जब बहुत दिन नहीं चला, बहुत दिन जो है ये सियार का जो था, जैसे ही बारिश हुई सियार का रंग उतर गया, अब तुम हाफ पैंट पहन के उसी तरह आ गई। जैसे अभी तुम कुछ दिन पहले कह रही थी मैं पीजी पे थी तो मैं हाफ पैंट पहने रहती थी, जब तुम पीजी में हाफ पैंट पहने घूमती थी तो फिर यूट्यूब पे आके तुमने वो सर पे दुपट्टा डाल के और सलवार सूट पहन के सर पे दुपट्टा डाल के उस तरह बन के क्यों आई थी? ढोंगी तो कर रही थी, झूठ फ्रॉड ढोंग यही सब तो तुम्हारा मकसद था, और तो कुछ था नहीं। यहाँ पे जो तुम बैठे कर रही हो, एक पॉजिटिव चीज है तुम बता दो, तुम सबसे लड़ी रहती हो सारा दिन, तुम किसी चार वीडियो दिन की बक करके फालतू चली लड़ी रहती हो, बोलती रहती हो, इसका दिखावा उसका दिखावा, इसकी बात उसकी बात। तो ये बताओ, अगर यही चीज तुम मेहनत में करने लगो ना, यही चीज तुम अपने ब्लॉग्स पे और पॉजिटिव पे ध्यान दो ना, तो शायद तुम्हारा ब्लॉग्स कुछ आगे चल निकले।
तुम अपने ब्लॉग पर बता रही हो ना वीडियो पे कि जैसे मैं बात कर रही हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ब्रीदिंग इशू हो आ रहे हैं, सांस फूल रही है, तो कहीं से हम लोग को नहीं लग रहा है कि तुम्हें ब्रीदिंग इशू है। जिस हिसाब से तुम गंदी रहती हो, दो दो मकान बनाना आसान है, तुमने यूट्यूब की कमाई से बना लिया, यूट्यूब तुमको फालतू का पैसा दे दिया, तुमने बना लिया, लेकिन उसको मेंटेन करना, सजाना भी बड़ी बात नहीं है, उसको साफ सफाई रखना, उसको मेंटेन करना, एक मकान जो है ईंट पत्थर का जो मकान है उसको घर बनाना औरत का काम होता है, तुमने वो कुछ नहीं किया, तब तुम्हारी कोई ब्रीदिंग इशू नहीं है। जिस हिसाब से तुम चार चार ग्लास मैंगो जूस और मौसम्बी का जूस पी जाती है, कट्टा भी तुम एक हफ्ते में खत्म कर दोगी, तो उसमें तुम्हारी ब्रीदिंग इश्यू कभी नहीं आई, लेकिन जब तुम्हारी कोई प्रॉब्लम आती है तो ब्रीदिंग इश्यू बता देती हो। तुमने क्या बताया था कि 2002 में 14 साल पहले तुमको ब्रीदिंग इश्यू हुई थी, तो तुमने डॉक्टर को जाके दिखाया था। अब ये डॉक्टर वहां से जो है डॉक्टर ने कहा था नाक की हड्डी टेढ़िया, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अरे पूरी दुनिया को ऑपरेशन कराना पड़ता है, तुमको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो तुमने ऑपरेशन नहीं कराया था। 14 साल बीत गए, इन 14 सालों में तुमने खुद माँ बाप से लड़ा, गालियां बकी, सास से लड़ी, गालियां बकी, पति से लड़ा, ऊपर पचा दिया है, और यूट्यूब पे आके सबसे लड़ा, तो तब तुमको ब्रीदिंग इश्यू फिर से नहीं हुई, तुमको कोई तकलीफ नहीं हुई, नहीं हुई। लेकिन जब ही तुम्हारी पोल खुलती है, तुम्हारे अगेंस्ट कोई खड़ा हो जाता है और तुम्हारी असलियत बाहर निकलने लगती है, तुमको ब्रीदिंग इश्यू शुरू हो जाती है। तो तुम अपनी ब्रीथ को, अपने इश्यूज को संभाल के क्यों नहीं रखती हो, क्यों कंट्रोल नहीं करती हो, क्यों ऐसी काम करती हो कि तुमको नाटक बताना पड़े कि हाय मुझे ब्रीदिंग इश्यू हो रहा है। जिससे तुम लड़ती हो, जिस हिसाब से तुम लड़ती हो, जिस हिसाब से तुम नौटंकी करती हो, जिस हिसाब से तुम खाती हो, जिस हिसाब से तुम जूस पीती हो, आम इंसानों के तो बस की बात है नहीं। तो तुमको तब समझना चाहिए ना कि एक मौसम्बी का जूस काफी है, एक गिलास जूस काफी है, 8 गिलास जूस और 7 गिलास जूस इंसान नहीं पीते हैं, जानवर भी नहीं पीते। अगर किसी जानवर को भी तुम कटोरे में 8 गिलास मौसम्बी का जूस दे दो, वो भी नहीं पिएगा, थोड़ा सा पिएगा, फिर उसके बाद जीभ से ऐसे धक्का मार के हटा देगा। तुम उससे कहीं पीती हो, बदतर हो जिस हिसाब से तुम पीती हो, तब तुमको ब्रीथिंग इश्यू नहीं होती है। अब तुमको ब्रीथिंग इश्यू याद आ रहा है क्योंकि तुमको वो लड़का फंसना है, जिस हिसाब से तुम शॉर्ट्स डाल रही हो ना, मैं तेरे इश्क में मरना जाऊं, कहीं कितनों से इश्क में मरोगी ये बता दो। सास ने तुम्हारी कहा रवि के साथ मिलकर तुमने ऐसा किया, उससे पहले तुमने सनी के दोस्त से था, फिर तुमने रवि का भी कोई दोस्त पकड़ लिया, फिर तुमने पता नहीं कौन कौन पकड़ लिया। अब तुम इस लड़के के पीछे चंगू से, वो बता रहा है कि पीछा छोड़ दो, उसके घर वाले शर्मा जी बता रहे हैं कि पीछा छोड़ दो, लेकिन नहीं, तुम उसको मैसेज पे मैसेज किए जा रही हो। वो लड़का भी बेवकूफ है, काहे पता नहीं तुमको ब्लॉक नहीं कर रहा है, अगर वो ब्लॉक कर दे तो तुम अनब्लॉक करने के बाद भी उसको मैसेज ना कर पाओ, वो भी मजा ले रहा है, पता नहीं क्या बात है भैया, क्या चक्कर है, क्योंकि जैसी देवी तुम वैसे देवा वो। पता नहीं कब तक ये 30-30 की करेगी, 30 क्यों, 31 क्यों, 27 साल में मैं विधवा हो गई थी, ऐसा हो गई थी, क्यों झूठ बोलती रहती हो भैया। तुम्हारे हाथ का मैसेज देख लिया, सब कुछ देख लिया कि तुम कितने, तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ पता चल गया, तुम कितने उम्र की हो ये पता चल गया। उम्र छुपाने से क्या है, तुमको लड़का 10 साल छोटा मिल जाएगा, ये बस 2 दिन के लिए मिलेगा, फिर वो भी पिछवाड़े लात मार के निकल लेगा, वो भी पिछवाड़े लात मार के निकल देगा। कतई मत सोचना कि तुमको कोई पसंद कर लेगा, तुमको तुम्हें पसंद करने के लिए क्वालिटी होती है। इंसान एक चमड़ी का जो शरीर होता है वो नहीं पसंद करता है, उसके अंदर की क्वालिटी पसंद करता है। शादी करने के लिए कोई गुण होते हैं, संस्कार होते हैं, क्यों लड़की से शादी करता है, और वो भी अगर विडो है, विधवा है, एक बच्चे की माँ है, तो उसका सीधापन, सरलपन, उसके गुण देख के कोई पसंद करेगा। तुम्हारे में कोई गुण है? कोई गुण नहीं है। ऐसे ही कोई चलता हुआ मिल जाएगा, कोई घुमा टहला छोड़ दे कोई ऐसे, लेकिन जीवन भर साथ निभाने के लिए नहीं होगा। और जो फंस के ब्लैकमेल करके जो शादी अगर तुमने किसी से कर भी ली तो वो 2-2.5 साल में, आगे खुद ही समझदार हो तुम, क्योंकि तुम ज्यादा ही कुछ लोमड़ी चलाक वाली समझदार हो। चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, आप लोग कमेंट पर बताइएगा आप लोग की क्या राय है, नेक्स्ट वीडियोस में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए, और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दोनों चैनल मेरे ब्यूटी विद बनर्जी भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके वीडियोस भी अगर आप कहेंगे मुझे लिंक दीजिए तो कम्युनिटी में मैं उसकी वीडियो शेयर करती रहती हूँ, वहां जाके सब्सक्राइब करके खूब सारे कमेंट कर दीजिएगा जिससे यूट्यूब मेरे वीडियो को आगे पुश करे। तो प्लीज रिक्वेस्ट है जो लोग मुझे चाहते हैं दोनों चैनल पे खूब सारे कमेंट कर दीजिए। बाय बाय।